गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए अब हम इंश्योरेंस क्लेम की इस प्रॉब्लम को करेंगे। एक बार देखें, ऑन अकाउंट ऑफ ए फायर ऑन 15 जून 2011 इन द बिजनेस हाउस ऑफ अ कंपनी द वर्किंग रिमेन डिस्टर्ब्ड अप टू 15 दिसंबर 2011, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट वॉज नॉट पॉसिबल टू अफेक्ट एनी सेल। ओके, द कंपनी हैड टेकन आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी विद एन एवरेज क्लॉज अगेंस्ट द कंसिक्वेंशियल लॉसेस for ₹1,40,000 and a period of 7 months has been agreed upon as a indemnity period. An increase 25% was marked in the current year sales as compared to last year. ये trend दे दिया इन्होंने question में। The company incurred additional expenditure of 12,000 to make sales possible and made a saving of ₹2,000 in the insured standing charges. Actual sale दे रखी है, sales from this to this दे रखी है, net profit of last year, insured standing charges, total standing charges, टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर, टर्नओवर फॉर वन ईयर फ्रॉम दिस, सारी चीज़ें इन्होंने कैलकुलेट करके दे दी हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करनी है, उसको हम कर लेते हैं। चलिए, डाटा इन्होंने मोस्टली कैलकुलेट करके दे दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीपी परसेंटेज। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टर्नओवर। क्वेश्चन में देखें, आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है नीचे की तरफ, कितना है नेट प्रॉफिट है 80,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हमारे हैं 70,000, 80,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर का टर्नओवर है 6,00,000। सो जीपी परसेंटेज हमारा आ गया 25%। ठीक है, नंबर टू, डेट ऑफ फायर जो है क्वेश्चन में दी है 15 जून 2011। ठीक है, जो अफेक्टेड पीरियड है वो है 15 जून 2011 से 15 दिसंबर 2011। ठीक है, ट्रेंड जो है वो है 25% अपट्रेंड। तो अब हमारा जो वर्किंग नोट निकलेगा वो आएगा शॉर्ट सेल का। शॉर्ट सेल में हम देखेंगे सेल ड्यूरिंग लास्ट ईयर, यानी कि अफेक्टेड पीरियड के लास्ट ईयर में जो सेल थी वो कितनी है, 15 जून 2010 से 15 जून दिसंबर, ये है 2,40,000। ऐड करें इसमें अपवर्ड ट्रेंड एट द रेट ऑफ 25%, 60,000 रुपये ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हुई हमारी सेल जो होनी चाहिए थी इस साल अगर आग नहीं लगती। इसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल कितनी है देखें जरा, एक्चुअल सेल है हमारी 70,000 की, तो शॉर्ट सेल आ गई हमारी 2,30,000 की, नंबर तीसरा शॉर्ट सेल आ गई। अब आगे देखें, बढ़े AAT इन्होंने दे रखा है कैलकुलेट करके। AAT का मतलब होता है टर्नओवर अप टू डेट ऑफ फायर, दैट इज टर्नओवर फॉर 16 जून 2010 से 15 जून 2011 का। ये क्वेश्चन में इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है 5,60,000 का। इसमें आप 25% का जो हम अपवर्ड ट्रेंड देख रहे थे वो ले लें, ये हो गया 7,00,000 रुपये।
ये हमारा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हो गया। तो जीपी ऑन एएटी ये आया कितना, अभी देखते हैं। जीपी ऑन एटी ये आएगा हमारा 7 लाख का 25%, कितना होता है 1,75,000। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा शॉर्ट सेल निकल आया। एडिशनल एक्सपेंसेस दे रखे हैं इन्होंने क्वेश्चन में, हाँ लिखा है एडिशनल एक्सपेंसेस हमारे हैं 12,000 के। तो चौथा क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस ये होता है हमारा लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, एक्चुअल एक्सपेंसेस ये हमारे हैं 12,000, प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल तो हम ये मान के चलते हैं कि जो 70,000 की सेल है ये सिर्फ इन्हीं खर्चों की वजह से हुई है। और तीसरा जो है वो है एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी ऑन एटी अपॉन जीपी ऑन एटी इनटू प्लस प्लस सॉरी अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो 12,000 इनटू 1,75,000 अपॉन 1,75,000 प्लस, गौर से देखो नीचे लिखा था टोटल स्टैंडिंग चार्जेस थे 1,20,000, इंश्योर्ड थे 70,000, इसका मतलब है 50,000 मेरे अनइंश्योर्ड हैं। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये आ जाएगा हमारा 9,333। लिस्ट तीनों का 9,333 ये सारी वर्किंग होने के बाद अब पॉलिसी जो क्लेम है वो हम 2 मिनट में कर सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट फॉर क्लेम ऑफ प्रॉफिट आप लिखेंगे जीपी ऑन शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल मेरी कितनी है 2,30,000, इस पर 25% से देखिए कितना आता है 57,500। फिर ऐड करें इसमें क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस 9,333 66,833 लेस करें सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, क्वेश्चन में दिया है 2,000 रुपये 64,833 क्लेम अमाउंट। ठीक है, अब आप करेंगे पॉलिसी अमाउंट कितनी है आपकी, क्वेश्चन में दी होगी शुरू में पॉलिसी अमाउंट है 1,40,000 की।
और जी पी ऑन ए ए टी कितना है, 1,75,000। तो हम लिखेंगे सिंस पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन जी पी ऑन ए ए टी, अप्लाई होगा एवरेज क्लॉज, दैट इज क्लेम जब बनेगा 64,833 इंटू 1,40,000 अपॉन 1,75,000। ये आया 51,866। तो फाइनली क्लेम आपका 51,866 का बनता है, 0.40 भी आएगा करना चाहो तो। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आती हैं जो आपको करनी होगी। थैंक यू वेरी मच।